गया है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू राइड नेशन। मेरा नाम है राइड और आप लोग देख रहे हैं राइड नेशन। गाइस, तो फ्री फायर में गाइस आज के दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग करने वाले हैं कलेक्शन वीडियो कैसी, तो भाई MP40 के जैसी। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मैं सारी MP40 की स्किन जो भी मेरे पास है, पोकर बोलो, मैकेनिकल बोलो, ओपी बोलो, ग्रीन बोलो, जो बोलो, सारी MP40 दिखाऊंगा, समझ रहे हो। और साथ में आपको बताऊंगा कौन सी MP40 कहाँ यूजफुल है, कैसे की इस्तेमाल करना चाहिए, सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो देखते रहो ना इस पूरे वीडियो को, मजा आएगा ना वीडियो। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकलोलाई के। हाँ, तो यार सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे अपने कलेक्शन में, और कलेक्शन में जाने के बाद चालू करते हैं MP40 का सिलसिला। हाँ, तो टोटली गाइस अगर तुम देख पाओगे यहाँ पे तो मेरे पास 9 MP40 की स्किन, हालांकि इससे भी ज़्यादा भी है। ठीक है, पर गाइस मेरे को जो अच्छी लगी, मेरे को जो पसंद है, वो मैंने सारी निकाली है। ठीक है, बाकी चीज़ों की बात नहीं करूँ, रुको जरा सबर करो। ठीक है, तो मेरे को जो पसंद है वो मैंने निकाली है, बाकी तो आपको स्टोर में मिल जाएगी। यहाँ पे अच्छी लेजेंडरी ओपी गन स्किन की बात हो रही है आज के डेट में, जो MP40 पूछी जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो गाइस नंबर 1 पे बात करते हैं हम लोग, क्या तो प्रिडिक्टर कोबरा। ठीक है, अब ये वो गन है गाइस, अभी एक ऐसी गन है गाइस। ठीक है, एक ऐसी गन है जिसमें कोई भी, मतलब सबसे बेस्ट गन स्किन है। और मैं एक बात बताता हूँ, इसकी स्पेशल खासियत क्या देखने को मिलेगी आपको, क्या इसकी एक स्पेशल खासियत यह है कि आप अगर लॉन्ग रेंज में भी हेड मारते हो ना, तो भाई क्लीन हेड लगते हैं, 39 का बोलो या 29 का हेड बोलो, और या फिर भाई मतलब हेड मारने के लिए हेडर गन है भाई, मतलब खतरनाक ओपी वाले हेड लगते हैं इसे। चल झूठा, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने चलाया है, ऐसा मेरा मानना है। आपने भी चलाया होगा तो आपको भी पता होगा गाइस। ठीक है, बहुत ओपी करना है, और गाइस डैमेज 2 है, और एक रेंज ऑफ फायर प्लस है, और रिलोड मींस माइनस है, मतलब कुछ भी नहीं यार, क्या टेंशन ले रहे हो, इतना रिलोड नहीं है, रिलोड तो भाई शॉटगन का खतरनाक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद गाइस बात की जाए, ये तो मुझे ऐसे मिल गई। ठीक है, ये डबल डैमेज और रेंज प्लस है, रीलोड स्पीड माइनस है। तो गाइस इसकी सेम कॉपी है मैकेनिकल, देख लो यार कोई फर्क नहीं आता है। तो जब मैकेनिकल के बारे में बात करेंगे तो मैं बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो देख लो यार। तो गाइस ये एक इंक्यूबेटर की है, इंटरनल डायमंड। अब जिसके पास गाइस मैकेनिकल नहीं होगी उस बंदे ने ये निकाला होगा। ठीक है, तो गाइस आज के डेट में क्या हो चुका है ना गाइस, जो पोकर का इतना क्रेज है ना गाइस, पोकर MP40 का, ये MP40 का, कि बाकी गन्स को लोग भूल चुका है। और सही बता रहा हूँ, इंटरनल डायमंड उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, मैंने 2 दिन चलाया अभी और मुझे उतना खास नहीं लगा। हालांकि डैमेज भी बहुत कम आ रहा है, 11-12 का डैमेज आ रहा है भाई, और ऊपर से गाइस उतना खास हेड भी नहीं है कंपेयर देन कोबरा। कोबरा के सब सब हेड लगते हैं, तुम्हें क्या ही बताऊं, मतलब मजा आ जाता है, कतई जहर हो जाता है। ठीक है, और ये गन में आपको डबल डैमेज प्लस रेंज मिलता है, और उसमें रेट ऑफ फायर मिलता है, और इन दोनों में रीलोड स्पीड माइनस है, जो बहुत अलग सीन हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं तो तुम्हें कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे पास कोबरा है तो तुम कोबरा यूज़ करो, और जो है तुम्हारे पास यूज़ करो, उसकी तो बात हम बाद में करेंगे। हालांकि हम लोग गन की बात कर रहे हैं, हरे कलर की है, और ये इंक्यूबेटर की गन है। ठीक है, और ये वाली ईवो गन है। ठीक है गाइस, तो आप आ जाते हैं यार तुम्हारी सबसे वन ऑफ द फेवरेट मोस्ट गॉर्जियस मेरी गन। ठीक है, जो मैंने मतलब अपने लाइफ में पहली MP40 निकाली थी, और जो मुझे प्यार हुआ था। तो गाइस ये है मेरी जिंदगी की पहली MP40, इसका नाम है लूनर MP40 गाइस। ठीक है, इसको आप ब्लडी गोल्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये पहली MP40 है जो मेरे को अपनी जिंदगी में परमानेंट हुई थी। ठीक है, ये क्या है? इसका सीन ऐसा था कि गाइस लक रॉयल में आई थी। ठीक है, और मुझे निकालना था 100 डायमंड स्पिन करके, और मैंने किसी भी तरह निकाल ली थी, और भाई बहुत ज्यादा खुशी हुई थी मेरे को, इतनी खुशी मतलब ऐसा फील आ रहा था ना, पहली बार MP40 के गन परमानेंट हुई थी। नया साल था, नया माल था। ठीक है, तो नए साल में नया माल निकाल लिए थे भैया, बड़ा ही मजा था। इसमें एक रेंज प्लस था, डबल एक्यूरेसी थी, तो हम एक ये सोचकर खुश हो गए थे, अरे भाई डबल एक्यूरेसी है तो भाई ऑटोमेटिक हेड लगेंगे भाई, मजा आ जाएगा, एकदम स्वाद आ जाएगा, रिलोड स्पीड माइनस से फिर से फर्क नहीं पड़ता। तो अभी तक यार जितनी भी तुमको हमने MP40 दिखाई यार, उसमें तो रिलोड स्पीड का ही फर्क आ रहा है भाई, कुछ तो बाकी कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यार ये है एक लूनर MP40, ज़्यादा कुछ सीन है नहीं, और हाथ में क्या ही पकड़ के दिखाऊंगा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस। ठीक है, तो अब बात करते हैं यार अगली गन की सीन को, तो है तुम्हारी लाजवाब, दिल तोड़ के थर्राने वाली तुम्हें यार, तुम्हारी जान, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा गर्लफ्रेंड बोलो यार,
ये है, इसका नाम है फ्लैश एंड स्प्रेड है गाइस, इसका नाम है पोकर MP40 भाई, बोलते ओपी बोलते बॉस, तुम लोग इसको ओपी बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ कहीं से, तुम इसको देख के पागल हो रहे होंगे, पागल होकर नाच सकते हो। एलिजी नागिन निकाली मुन्ना पे डोला अलग ला, एलिजी नागिन निकाली मुन्ना। मैं समझ सकता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये जो गन बनी है ना गाइस, ये कस्टम के लिए बनी है मोस्टली गाइस, गन आज के डेट में कहीं मोस्ट डिमांडिंग गन है तो भाई कस्टम के लिए, ठीक है। और ये जो गन है ना गाइस, ये पूरी फुल मैप के लिए बनी हुई, ठीक है। अगर आपको फुल मैप में MP40 खेलनी है तो आप कोबरा लेकर खेलो, और आपको अगर कस्टम खेलना है तो आप पोकर MP40 लेके खेलो, ठीक है। पोकर में डबल डैमेज रेट ऑफ फायर मिलता है, रेंज माइनस मिलता है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कोबरा भी बहुत मस्त चलती है कस्टम में, ठीक है। तो अगर आपके पास कोबरा नहीं है, पोकर है तो पोकर लेके खेलना, और कोबरा है तो कोबरा भी लेके खेल सकते हो, मर्जी आपकी। मेरा मानना है फुल मैप के लिए कोबरा यूज़ करें, और कस्टम रूम्स के लिए आप फ्लैश एंड स्प्राइट खेलें, मतलब क्लैश क्वाइट कस्टम, ठीक है। ओके, बात की जाए ना गाइस MP40 पोकर वाली में, तो इसमें डबल डैमेज मिलता है और एक रिलोड पीट्स, और यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि गाइस आपको रेंज माइनस मिलता है। और ये तुमको बता दूँ, इंक्यूबेटर में आई थी और ये टॉप लेवल की गन थी, ठीक है, नंबर वन बोल सकते हो। और इसको निकालने के लिए ऑलमोस्ट गाइस मेरे 3000 डायमंड गए थे, और मैंने वीडियो भी बनाई है, अगर तुम देखने में इंटरेस्ट हो तो तुम जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस समझ रहे हो, ऐसे यहाँ पे हम लोग बात कर ले हाथ में पकड़ के दिखाने की या कुछ करने की, तो यार ओपी दिखती है, पीला क्रिमिनल पे पीली MP40, सब पीला पीला दिखता है यहाँ, यहाँ तक कि यार नाम भी पीले अक्षरों में ही लिखा है। क्या बढ़िया था गुरु, ऐश क्या बात, ठीक है। तो गाइस ये तो चार गन दिखा दिए हमने, अब गाइस एक बात की जाए यार, सबसे मोस्ट वांटेड गन एकदम, मतलब सबसे सस्ते भाव में, एकदम बाजार भाव में मिल गई थी हमको, इसका नाम है गाइस मैकेनिकल MP40। और ये हिस्ट्री दोहराती है, मतलब ये जब गन स्किन नहीं थी ना, उससे पहले वाली गन स्किन थी, ठीक है। और सबसे बेस्ट गन स्किन मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक रेंज प्लस था और डबल डैमेज मिलता था आपको, ठीक है। और इसकी और इसलिए ओपी थी, क्योंकि गाइस और कोई स्किन ऑप्शन नहीं था। और एक बात बताओ तुम्हें, ये जो गन मिलती है ना गाइस, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी, सबको फ्री में बटी थी। बस टास्क दिए गए थे आपको, टास्क करने थे, और टास्क करने के बाद आपको आराम से प्यारा चुम्मेश्वरी देके ना ये आपको MP40 आपके गले मिलने आ रही थी। अब मर्जी आपकी थी, आप इसके साथ क्या करना चाहते हो, तो मर्जी हमारी थी, हमने इसके साथ जो करना था वो कर लिया, और हमने इसे ले लिया गाइस। और हमें जब से आज तक हमें फ्री में मिली, और आज परमानेंट है भाई, ठीक है। तो बात की जाए तो मैं बता चुका हूँ एट्रीब्यूट्स के बारे में ऑलरेडी, उसका नाम है MP40 मैकेनिकल MP40, और लाइटनिंग वाला एकदम बिजली कड़कते बिजुरिया वाला सीन हो रहा है, ठीक है। शाबाश बेटा, ठीक है, हाथ में कहीं पकड़ के दिखाऊंगा, घुमा फिरा के दिखाएंगे, तो देख लो भाई ऐसा है। और अभी तक जितनी भी स्किन दिखाई है मैंने, आप सब मेरे को परमानेंट हो रखी है। और बात की जाए ना गाइस अब अगली, ट्रैक MP40, ठीक है, इसमें एक डैमेज प्लस है, रिलोड स्पीड माइनस है, तो मोस्टली MP40 में देख रहे हो अभी तक रिलोड स्पीड ही माइनस मिल रहा है। क्लिप पोकर सारे मिल के हमको पागल बना रहे हैं, क्लिप पोकर में रेंज माइनस मिला है, और इसमें डबल मैक प्लस है, तो आराम से यार कितना बोलूँ, हाँ 36 या 38 गोली तो लोड हो जाएगा, 40-42 भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि डबल मैक है, ठीक है। और गाइस ये गन का तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत कम यूज़ किया, लेकिन देखो ना इसमें रेट ऑफ फायर है, डैमेज है, बस मैक 3 जाता है, तो भाई बस गोलियाँ बर्बाद होंगी, बंदे का सीन नहीं बनेगा, ठीक है, सही पकड़े हैं। और इसको भी छोटा बड़ा करके दिखाना है, हालांकि इसमें गोल्ड कलर का है, गोल्डन कलर, और लाइटनिंग आ रहा है, ठीक है। और हाथ में पकड़ के दिखाता हूँ तुमको, यार कतई ओपी लग रही है, तो ये तुम्हें ऐसे ही भाई डब्बा खोलते खोलते अब्बा डब्बा चब्बा में परमानेंट हो गए। वे नॉर्मल गन्स की स्किन है या जो मुझे लाइट पास में मिली थी, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, बोले तो आथू, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही छह। अगर आपके पास कोई MP40 की स्किन नहीं है और आपने लाइट पास लेकर रखा, अब ये बाइक की बात की जाए तो यह है अपने जमाने की गन गाइस, जब MP40 की स्किन नहीं हुआ करती थी, बस अभी वॉर चालू हुआ था, मतलब कि MP40 आई थी उस टाइम पे लोग ये वाली MP40 यूज़ करते, क्योंकि MP40 की यही एक स्किन थी और स्कार के साथ में आती थी। तो मैं स्कार खोलते खोलते मेरे को बस ऐसे टॉप गेमर बोलते हैं इसे, और परमानेंट हो गए, हालांकि इसमें रेंज माइनस है जो ड्रॉबैक है MP40 का, ठीक है। लेकिन गाइस डैमेज प्लस मिलता है, जो आपको मतलब नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है। दिवाली का सीजन आए, और दिवाली के सीजन में भाई हमको ऑफर किया गया कि अब विंटरलैंड की सारी गन परमानेंट मिलेगी, मतलब फर्स्ट विंटर में तो हमने परमानेंट मतलब निकाली थी गाइस, मेहनत करके फ्री में नहीं मिली थी, इससे पहले हमने बहुत मेहनत किया था और विंटरलैंड की सारी गन निकाली थी, लेकिन अगले सीजन में यार सबको फ्री में बढ़ गई, और उसके बाद विंटरलैंड MP40 सबको मिल गया। इसमें डबल रेट ऑफ फायर एक्यूरेसी माइनस और कुछ नहीं मिलता, लेकिन गाइस जॉन गेज गन की बात की जाए ना तो भाई बहुत ओपी है, मतलब खतरनाक है, इतना तेज इसका मतलब गोली लगती है ना कि भाई पता नहीं चलता जब घुस जाती है, और बंदा नॉक बाद में दिखाता है गोली पहले घुसती है, ठीक है। हालांकि इसमें से स्पेशल कंटेंट फील्ड नहीं है, लेकिन गाइस गन ओपी है, कुछ भी नहीं है तो यार ये तो होगी आपके पास जो भी है। तो बात किया जाए मेरे लिए क्या बेस्ट है, तो ये होगी मेरे लिए ऑलराउंडर गन गाइस, कस्टम के लिए मैं यूज़ करता हूँ। और जब मेरा मान के चलता हूँ कि मेरे को ये दोनों ये सब गन्स मेरा काट रही है, तो मैं इनकी तरफ जाना पसंद करता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते तो MP40 गन के कलेक्शन की बात ही हो रही है, तो जरा आ जाओ यार टूर में, चले आर्मरी में, और थोड़ा सा लेजेंड बॉक्स में जाके और दूसरी MP40 की बात की। हालांकि मुझे जो पसंद है वो मैंने निकाली है, लेकिन यहाँ पे MP40 की बात हो रही है, तो देख लिया जाए थोड़ा सा।
तो ये है गाइस एक लूनर MP40, हालांकि मेरे फ्रेंड्स यूज़ करते हैं, डबल डैमेज मैगजीन प्लस एक्यूरेसी माइनस है। तो ये जो गन है ना गाइस 3 की मैग पे 36 गोली आती है इसके अंदर, ठीक है, एक्यूरेसी माइनस है, लेकिन मैंने भी चलाया, मेरे को उतना मजा नहीं आया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आजकल नया ट्रेंड चला है बनी MP40 का। अब बनी MP40 का तो भाई अलग ही सीन है, मैंने वीडियो बना रखी है, निकालने का भी ट्राई किया, तुमने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। और बाकी बात की जाए तो लाइटनिंग भी है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास क्योंकि गाइस इसमें देखो रेट ऑफ फायर मैगजीन है, हालांकि इनक्यूबेटर में सेम काइंड ऑफ बहुत सारी गन आई है, इस वजह से मैंने फोर्स नहीं किया क्योंकि गाइस एक टाइम तुम MP40 यूज़ कर सकते हो, तो काले पंचायत कर रहे हो क्या ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्या ही तुमको इतनी सारी गन स्किन निकालनी है भाई, कंट्रोल में निकालो भाई जो तुम्हारे काम किया, तो इसको विचार में मद्देनजर रखते हो। और इसमें देखो यार टॉप गेमर वाली भी है, ठीक है, और गाइस यहाँ पे इतनी MP40 है, बाकी सब तुम्हारे भाई के पास परमानेंट हो रखी है। तो गाइस समझ रहे हो, तो गाइस ये था मेरा पूरा MP40 का कलेक्शन। आई होप मेरे को आपको सबको मेरा MP40 का कलेक्शन पसंद आया है। अगर मेरे MP40 का कलेक्शन थोड़ा भी पसंद आया है ना, तो वीडियो को लाइक करने का जी। अब अगर तुम लोग उन खूबसूरत प्राणी में से एक हो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे विमल थूको या रजनीकंधा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ यार, और रूपाली जरा लाइट बंद कर दे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।